मैं मौजूद था और मैं उनकी अंत्येष्टि में शरीक नहीं हो सका, लेकिन मेरे मन के भीतर उनके प्रेम जो प्रेम के जो भाव थे वो सहज ही बाहर निकले और उन पंक्तियों को मैं आपके सामने रखकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। आप सभी से चाहूंगा कि इन पंक्तियों को कृपया ओम व्यास की स्मृति के आयोजन को मैं समर्पित कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। मैं उस समय मैंने क्या भाव मेरे भीतर थे और मैंने कहा है सुनिए। गुमसुम रहने वालों को भी खुलकर हंसना सिखा गया, गुमसुम रहने वालों को भी खुलकर हंसना सिखा गया। जब तक जिया हंसाया जग को जाते जाते रुला गया, गुमसुम रहने वालों को भी खुलकर हंसना सिखा गया। जब तक जिया हंसाया सबको जाते जाते रुला गया। किस्सों का वो शहंशाह था, बातों का बाजीगर था। आप सब उसके मित्र और परिवार के लोग बैठे हुए आप सब जानते हैं। किस्सों का वो शहंशाह था, बातों का बाजीगर था। जीत लिया करता था दिल को ऐसा वो जादूगर था। किस्सों का वो शहंशाह था, बातों का बाजीगर था। जीत लिया करता था दिल को ऐसा वो जादूगर था। तो बातों में उलझा कर हमसे हाथ छुड़ा कर चला गया, बातों में उलझा कर हमसे हाथ छुड़ा कर चला गया। जब तक जिया हंसाया हमको जाते जाते रुला गया। और पंक्ति सुनिएगा कि विधना की लीला के आगे हर कोई लाचार हुआ, विधना की लीला के आगे हर कोई लाचार हुआ। जाने कैसी घिरी बदरिया घटा टोप अंधियार हुआ, तो कविता के माथे का सूरज, कविता के माथे का सूरज भरी दोपहरी छला गया। जब तक जिया हंसाया सबको जाते जाते रुला गया। और अंतिम दो पंक्तियां मित्रों उस समय लिखी गई पंक्तियां सुनिएगा कि हर कोने में खामोशी लख, उस समय जिस समय घटना हुई थी उस समय पंक्तियां कही है मैंने कि हर कोने में खामोशी लख, दुख दूना हो जाएगा। हर कोने में खामोशी लख, दुख दूना हो जाएगा। किसे पता था इतनी जल्दी घर सूना हो जाएगा। तो माँ की ममता